आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी दल एक होने जा रहे हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के चौथे चरण में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कानपुर देहात में परिवर्तन रैली के संबोधन में वर्तमान सरकार पर तमाम तंज कसे। वहीं गठबंधन की बात पर ओवैसी के साथ को लेकर चलने की बात कही। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि हमने छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। इस दौरान शिवपाल मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस समय पूरे देश और प्रदेश में किसी भी वर्ग की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत परेशानी में है, सब जनता भी परेशानी में है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। वो परेशान इसलिए भी हुए हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बहुत इन्होंने वादे किए थे। शिवपाल यादव ने पेट्रोल डीजल के दाम पर कहा कि सरकार ने जहां एक तरफ दिवाली का तोहफा जनता को दिया है, तो वहीं एकदम से दाम कम कर पेट्रोल पंप मालिकों को परेशान किया जा रहा है। इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया, सड़कों पर आज भी गड्ढे हैं। सबसे पहले तो 24 घंटे में 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, और इसके साथ साथ देखिए हम नौकरी ऐसा भी कानून बनाएंगे कि हर परिवार में कम से कम एक बेटे और एक बेटी को नौकरी जरूर मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये संकल्प लेगा, ये संकल्प। आगे शिवपाल ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो हमारी तरफ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त और प्रदेश के हर परिवार के लड़के और एक लड़की को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कानपुर देहात से अवनीश अवस्थी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरे।